तो शनिवार को विश्वासनगर में सीलिंग की कार्रवाई हुई है। ईस्ट एमसीडी ने यहां चल रही व्यावसायिक गतिविधियों वाली संपत्तियों पर ताला जड़ दिया। इससे पहले ईस्ट एमसीडी ने यहां सभी दुकानों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। मॉनिटरिंग कमेटी के निर्देश के बाद पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर में सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि सीलिंग जो है विश्वासनगर में वो की जा रही है, क्योंकि जो रिहायशी इलाकों में यहाँ पे जो इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं, दुकानें चल रही हैं, उनको यहाँ पे सील किया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तरफ से यहाँ पे पहले ही सभी दुकानों में और घरों के बाहर नोटिस चिपका दिया गया था और उनको समय दिया गया था कि आप अपनी जो जिस तरह की इंडस्ट्री चल रही हैं आपके उनको खाली कर लीजिए। और 15 अगस्त की वजह से यहाँ पे क्योंकि सिक्योरिटी नहीं जा रही थी नगर निगम को, और जब 15 अगस्त के बाद अब यहाँ पे सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि विश्वास नगर में सीलिंग की जो कार्रवाई की जा रही है नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा। आपको बता दें कि विश्वास नगर में लगातार ये कहा जा रहा था कि ये रिहायशी इलाका है और यहाँ पे कई तरह की इंडस्ट्री चल रही है, उद्योग चल रहे हैं, और उसको लेकर कई यहाँ के लोगों ने शिकायत भी की थी। और इसके बाद मॉनिटरिंग कमेटी ने भी यहाँ पे इस तरह की जो रिहायशी इलाकों में उद्योग चल रहे हैं उनको सीलिंग करने के निर्देश दिए थे, और उसके बाद यहाँ पे जो सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो गई है। आपको बता दें कि विश्वास नगर में तकरीबन 4000 से के आसपास उद्योग धंधे हैं और यहाँ पे लंबे समय से यहाँ पे इस तरह के उद्योग चल रहे हैं। और इस एमसीडी ने यहाँ पे 15 अगस्त से पहले नोटिस चिपकाए थे और सबको समय दिया गया था कि अपने अपने जो इंडस्ट्री हैं उनको बंद कर लें। और अब इसके बाद अब यहाँ पे विश्वास नगर में इस एमसीडी ने सीलिंग कार्रवाई तेज कर दी है। कैमरामैन सुरवीर के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली। विश्वासनगर में कमर्शियल गतिविधियां चलाने वाले लोगों के मुताबिक वो कई सालों से यहां पर अपने काम को चला रहे हैं और अचानक उनका रोजगार अगर छिन जाएगा तो वो सभी सड़कों पर आ जाएंगे। विश्वासनगर में सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इसको लेकर जो यहां के व्यापारी हैं, जिनके उद्योग यहां पर हैं, वो काफी नाराज हैं, क्योंकि इन लोगों के अपने अपने तर्क हैं। इन लोगों का कहना है कि ये कई सालों से यहाँ पे अपने उद्योग चला रहे हैं, जो नोटिस लगाए गए थे उनके जवाब दे चुके हैं। ये पता है कि आप लोग यहाँ पे कई सालों से अपने उद्योग चला रहे हैं, जो अपनी दुकानें यहाँ पे लोग चला रहे हैं, अब जो सीलिंग की कार्रवाई शुरू हुई है, क्या आप लोगों को मालूम था यहाँ कभी सीलिंग हो सकती है? नहीं, यहाँ पर इस चीज़ का कभी नहीं था, क्योंकि हाई कोर्ट ने यहाँ पर मना कर रखा था कि यहाँ पर किसी की भी सीलिंग नहीं की जाएगी। हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, लेकिन मॉनिटरिंग कमेटी ने हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को एक तरफ रखते हुए इसके ऊपर एक ऑर्डर 3 तारीख को जारी कर दिया कि यहाँ पर जितने भी कमर्शियल एक्टिविटी है उसको सील कर दिया जाए। और ये सीलिंग यहाँ पर पहले सर्वे हुआ 16 तारीख से शुरू हुई है, और बहुत दुख की बात है कि बहुत छोटे छोटे जो यहाँ पर कारोबार हो रहे हैं लोगों के, जैसे कि मैंने परसों देखा 16 तारीख को एक लेडी का ब्यूटी पार्लर जो कि सिर्फ 6 मीटर की दुकान में था उसको सील कर दिया गया। एक 4 मीटर की दुकान थी जनरल मर्चेंट की, 4 मीटर की छोटी सी दुकान, उसको सील कर दिया गया, जबकि रेजिडेंशियल एरिया में मास्टर प्लान में ये सारी एक्टिविटीज अलाउड हैं, लेकिन इनको भी कर दिया गया। यहाँ जबकि ये बात आई थी कि फैक्ट्रियों को किया जाएगा, यहाँ सब फैक्ट्रियों की जगह खाली पड़ी हैं, उसके बाद खाली जगह को सील किया जा रहा है। लोगों ने जवाब दिए हुए हैं तब भी सील किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि कई सालों से लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, नोटिस के बाद लोगों ने अपनी दुकानें भी खाली कर दी हैं। एमसीडी लगातार उन दुकानों को भी सील कर रही है जो खाली हो चुकी है। खाली दुकान भी सील हो रही हैं, छोटी छोटी दुकान है वो भी सील हुई हैं, और छोटे छोटे ऑफिस हैं जो 3-3, 4-4 मीटर में लगे हुए हैं, उन पर भी नोटिस लगा दिए गए हैं। फैक्ट्रियाँ सारी खाली हुई हैं, एक टेरर बना हुआ है, बहुत लोगों में भय व्याप्त है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पहले ये कहा गया था कि अगर खाली हो जाएंगी तो वो फैक्ट्रियाँ सील नहीं होंगी, लेकिन जो खाली हो चुकी हैं, जिन्होंने नोटिस के जवाब भी दे दिए हैं, वो भी सील की जा रही हैं। अब उनका एक ही मकसद है कि आप कन्वर्जन मिसयूज चार्ज जमा कराओ तो हम छोड़ देंगे। कैसे अब लगता है रोजगार, जब अब ठप हो चुका है, दुकानें सील हो चुकी हैं, घर कैसे चलेगा? घर तो सबका चलना बड़ा मुश्किल है। अभी आपने देखा जो पीछे लेडी, उनकी आंखों में आंसू थे, वो कह रहे हैं मेरे 10 साल की पूंजी चली गई इस प्रॉपर्टी को बनाने में, आज जो सील हो चुकी है, उनके लोगों के घर बार बिल्कुल खत्म से ही है एक तरह से। विश्वास नगर के जो व्यापारी हैं, जिनके यहाँ पर उद्योग हैं, उनका कहना है कि वो लगातार जो जिस तरह के नोटिस लगे थे उनके जवाब भी दे चुके हैं, उसके बावजूद जो नोटिस दिया गया था समय पर अपनी दुकानें भी खाली कर चुके हैं, लेकिन उनकी दुकानें उसके बावजूद सील की जा रही हैं। इनका यह भी कहना है कि यहाँ पे उद्योगों को लेकर कार्रवाई करने की बात की गई थी, लेकिन अब यहाँ पे जो छोटी छोटी दुकानें हैं उनको भी सील किया जा रहा है। कैमरामैन सुरवीर के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।
ईस्ट एमसीडी ने भगवान के घर पर भी नोटिस चिपका दिया है। विश्वासनगर में श्री राम मंदिर के बाहर निगम कर्मचारियों ने बाकी संपत्तियों की तरह नोटिस लगा दिया है। ऐसे में मंदिर के पुजारी को समझ नहीं आ रहा कि मंदिर में नोटिस लगाने का क्या कारण है। स्ट्रीट कमर्शियल एक्टिविटी को लेकर ईस्ट एमसीडी ने तमाम जगहों पर नोटिस लगा दिए हैं जहां पर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईस्ट एमसीडी ने एक मंदिर के बाहर भी नोटिस लगा दिया है। ये विश्वासनगर का श्री राम मंदिर है और आप देख सकते हैं कि राम मंदिर के बाहर भी ईस्ट एमसीडी ने नोटिस लगा दिया है, क्योंकि ईस्ट एमसीडी विश्वासनगर में उन कमर्शियल एक्टिविटी कार्रवाई कर रही है जिनमें जो इंडस्ट्री हैं, दुकानें हैं, उनके यहाँ लगातार बाहर नोटिस लगा रही है। लेकिन हैरानी वाली ये बात है कि जो विश्वासनगर की गली में मंदिर है वहाँ पे भी नोटिस लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि ये मंदिर है विश्वासनगर का और इसी के बाहर नोटिस लगाया है। तो ऐसे में अब यहाँ पे जो पुजारी हैं उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि उनके मंदिर में जो नोटिस लगाया गया है उसका कारण क्या है। पंडित जी, आप यहाँ मंदिर के पुजारी हैं, आपके मंदिर के बाहर एक नोटिस लगा दिया ईस्ट एमसीडी ने, तो क्या आपको लगता है कि क्या वजह है? आपने उनसे पूछा था क्यों नोटिस लगा रहे हो? कहा जो कि हमको एमसीडी तरफ से ऑर्डर मिला है, ऑफिस तरफ से आए हैं, हम यहाँ नोटिस लगा रहे हैं, आप उसके लिए, हम लोग जब विरोध किए, हमारे प्रधान जी आए, उसने उसके लिए विरोध किया, तो प्रधान जी को कहा जो कि आप ऑफिस में जाकर के बात कीजिए, हमको ऑर्डर मिला है, जो काम वो काम मैं करूँगा। तो भगवान को नोटिस देने का मतलब है कि भगवान को? ठीक है जी, नोटिस की बात नहीं होती है। भगवान को आप, हो सकता है भगवान को भी सील करते हैं। अरे फालतू बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री जो चल रही है विश्वासनगर में उसको लेकर कार्रवाई हो रही है। हाँ, लेकिन मंदिर में तो कोई ना व्यवसायिक कार्यक्रम चल रहा है, धार्मिक स्थल है, पूजा पाठ चल रहा है, यहाँ तो कोई ऐसा बनता नहीं है जो नोटिस चिपकाने का। नोटिस लगाने के बाद कोई आया आपके पास यहाँ पे? उसके बाद मैं आया था सील करने के लिए, लेकिन इधर नहीं देखा है, उधर अपना फैक्ट्री सब में जो इंक्वायरी करके चला गया। तो विश्वासनगर में ये मंदिर है और यहाँ पर क्योंकि भगवान का मंदिर है, श्री राम का मंदिर है, तो यहाँ पर इस एमसीडी ने नोटिस लगा दिया है। हालांकि अभी तक यहाँ पे सीलिंग की कार्रवाई करने नहीं आया है कोई, लेकिन सवाल ये उठता है कि मंदिर के बाहर जब नोटिस लगाया जा रहा था तो जिसने नोटिस लगाया होगा उनको साफ दिख रहा होगा कि ये मंदिर है और यहाँ पे किसी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो यहाँ पे नोटिस किस बात के लिए लगाया गया है? कैमरामैन सूरवीर के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।